नमस्कार आप सभी को आज के इस अद्भुत कार्यक्रम में। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन मास्टरी, कैसे हम एक पावरफुल वक्ता बन सके और अपनी बातों को लोगों के बीच में रख सके, आज हम इस सेशन में सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार दोस्तों व्यक्त कर रहे हैं कि आप लोग अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं और अपने जीवन को बदलने के इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। अगर आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज एक बार मुझे यस लिखकर रिप्लाई कर देंगे सभी लोग, या अपना हाथ दिखा सकते हैं डायरेक्टली। आवाज आ रही है यस सभी को? प्रवीण भाई, राकेश भाई, ओके, राठी जी, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। सो पूरे फोकस के साथ आज का सेशन आप सभी को दोस्तों अटेंड करना है, क्योंकि आज हम बहुत ही अद्भुत लर्निंग यहां पर लेने जा रहे हैं। आज हम यहां पर सीखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि कैसे हम जीवन में जो कुछ चाहते हैं उसे कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार टॉपिक है, और एक स्पीकर के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसे ये टेक्निक पता होनी चाहिए। इट्स अ टेक्निक ऑफ माइंड पावर, ये माइंड पावर की टेक्निक है जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, कि हम जीवन में जो कुछ चाहते हैं वो सब कुछ हमारे मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा के ऊपर निर्धारित होती है। आपके मस्तिष्क से जो विचारों की ऊर्जा निकलती है वही आपके जीवन को, आपके आपके लक्ष्य को निर्धारित करती है। जो कुछ आपके पास है, जो नहीं है, जो सुख है, जो दुख है, वो कैसे प्राप्त हुए हैं, आइए आज इन सारे विषय पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल लर्निंग आप लोगों को दोस्तों मिलने वाली है, तो बस पूरे फोकस के साथ बैठना है, सीखना है कि कैसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे हम जो कुछ चाहते हैं वो हो जाता है और कुछ लोग जो चाहते वो नहीं हो पाता, उसके बारे में भी यहाँ चर्चा होगी। हमारे मन का होता है और हमारे मन का नहीं भी होता है, ये दोनों स्थिति कैसे होती है, हम इस पर आज हम लोग यहाँ पर दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन के LOA जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिस पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक, सो इसका पूरा मैकेनिज्म आज दोस्तों हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का समझेंगे कि मैकेनिज्म काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है, और कैसे हमें आज इसको समझना है और अपने व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कैसे हो सकता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, और ये पूरा का पूरा इंटायर ये लॉ कैसे काम करता है और ये हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। सो द लाइक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ लॉ ऑफ नेचर। कितने लोगों ने लॉ ऑफ ग्रेविटी पता है कि भाई अगर कोई चीज ऊपर से गिरती है तो नीचे जाती है, मानते सभी लोग? अगर अगर हम गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो गेंद ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है, किसी भी व्यक्ति को अगर ऊपर से बिल्डिंग से गिराया जाए तो वो नीचे ही आता है। तो प्रश्न, नीचे क्यों आता है? नीचे इसलिए आता है कि हमारे धरती की एक चुंबकीय क्षेत्र है, हमारा धरती जो है वो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है, इसीलिए पेड़ पौधे खड़े रहते हैं, इसीलिए हम भी धरती पर खड़े हो पाते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करती है। यानी अगर सोचो, अगर ये धरती अपनी तरफ चीजों को ना खींचे तो जरा कल्पना करो क्या हो जाए। अगर ये धरती आसमान में हवा में उड़ रही है, हाँ, अगर ये अपनी तरफ चीजों को खींच के ना रखे तो सब तो कुछ आसमान में चला जाएगा, है कि नहीं? तो ये काम करता है जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करती, उसी प्रकार से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, कि हमारे पास जो कुछ चीजें आती हैं, सुख हो, दुख हो, किसी भी प्रकार के भाव हो, विचार हो, प्रसिद्धि हो, समृद्धि हो, हमारे विचारों के परे दोस्तों हमें कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। जो हमारे विचार होते हैं वही हमें प्राप्त होते हैं। ठीक, अब इसमें तीन बातें मुख्यतः समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, सभी लोग नोट करते हुए चलेंगे, तीन चीजें देखो इसमें काम करती हैं, है ना? तो इस पर मुख्य मुद्दा, ये तीन मुद्दा है, ये तीन मुद्दा पहले अच्छे से समझ लीजिए क्या क्या मुद्दा है तीनों। इट्स एक्सप्लेन द रिलेशनशिप आवर थॉट्स, फीलिंग एंड रियलिटी। थॉट्स मतलब होता है विचार, आपके विचार और आपकी भावनाएं और आपकी वास्तविकता, अगर इन तीनों को आप एक कर देते हैं तो वो चीज आपको प्राप्त हो जाती है। अब इसको बहुत गंभीरता से समझना, क्या तीनों एक होनी चाहिए? आपके विचार, विचार के साथ साथ फीलिंग, फीलिंग के साथ साथ
वास्तविकता। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पब्लिक स्पीकर बनना है, ये मन में विचार है। मेरे पास एक कार होनी चाहिए, मन में विचार है। मुझे जीवन में सफल होना है, ये मन में विचार है। मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, ये मन में विचार है। मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, ये मन में विचार है। जो कुछ आप जीवन में चाहते हैं वो आपके थॉट्स हैं, वो आपके विचार हैं। और विचार में जैसे आपके विचार हैं, तो अपने आप से प्रश्न पूछना है कि जो हमारे विचार है क्या वैसी ही हमारी भावनाएं हैं। जैसे हमारे विचार हैं क्या हमारी भावनाएं भी वैसी हैं। अगर मैं एक पावरफुल वक्ता बनना चाहता हूं, तो क्या मैं अंदर से फील कर रहा हूं कि हाँ मैं एक पावरफुल वक्ता हूं। अगर मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो क्या मैं अंदर से फील कर पा रहा हूं क्या मैं अमीर हूं। क्या मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, तो मन हमारा मान रहा है कि हाँ मैं एक बिजनेसमैन हूं। फीलिंग हमारी कैसी। अब सबसे बड़ी बात तीसरा है, यहां कंफ्यूजन होता है। रियलिटी मतलब होता है दोस्तों वास्तविकता। आपको रियल में वैसा व्यवहार करना है जैसा आपका विचार है। मतलब मैं अमीर बन चुका हूं, मैं वक्ता बन चुका हूं, मैं आईएएस ऑफिसर बन चुका हूं, मैं नेता मंत्री मिनिस्टर बन चुका हूं, मैं अच्छी बड़ी पोस्ट पर पहुंच चुका हूं। ये आपको रियलिटी में लाना पड़ेगा। बन चुके हैं आप ऐसा मान के व्यवहार करो, अब तब कैसा होगा सोचिए जरा। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है, लेकिन अगर इसको आपने अपना लिया दोस्तों, तो जीवन बदल जाएगा। आज इस दुनिया में जो बड़े से बड़े लोग हुए हैं, जिन्होंने बड़ा बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है, करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट द पॉइंट। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है, क्या चल रहा है, ये समझ में आ रहा है। माइंड पावर का ये एक सेक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रहता है, माइंड पावर का एक ट्रेनिंग चल रही है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ जी, समझ में आ रहा क्या हो रहा है, और ये आपको स्पीकर बनने में कैसे मदद कर सकता है। स्पीकर तब बनेंगे जब मन से तैयारी होगी ना। मन को कैसे तैयार करना, ये वो सिखा रहा हूं। मतलब ये मान के चलो दोस्तों कि लाखों रुपए की चीज आज आप सीख रहे हैं, बहुत बड़ी चीज आज आप सीख रहे हैं, और ये निसंदेह आपके जीवन में दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी अगर आप इसका पालन करते हैं। तो इसमें पावर बहुत है, एक क्षमता बहुत है, अद्भुत क्षमता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, बशर्ते कि इसे हम प्रॉपरली समझें और इसे अपने डे बाय डे लाइफ में इंप्लीमेंट करें। ये एक दिन दो दिन की चीज नहीं है। समझ में आ रही बात सबको। यस, तो क्या तीन चीज हमने सीखा। एक तो हमारे विचार, जैसे विचार है वैसी हमारी फीलिंग, और जैसी हमारी फीलिंग हम वास्तविकता में वैसा व्यवहार कर रहे हैं क्या। रियलिटी में भी हमारा व्यवहार वैसा है क्या। अब विचार है कि मुझे वक्ता बनना है, फीलिंग लेकिन बोल रही नहीं नहीं अभी हमको हमको तो भाषण देने में लोगों के बीच में डर लगता, मैं नहीं वक्ता बन सकता। सोच में है कि वक्ता बनना है, लेकिन फीलिंग क्या कह रही है कि नहीं नहीं मैं तो वक्ता नहीं बन सकता। तो आप वक्ता बनने वाले नहीं हैं। जब विचार आपका आपके भावनाओं से मैच होगा, जुड़ेगा, और जब आपकी भावनाएं आपके वास्तविक व्यवहार से जुड़ेंगी, जब ये तीनों कड़ी जुड़ेंगी, तब वक्ता बनेंगे। तब वक्ता ही नहीं, जो कुछ चाहेंगे वो बनेंगे। वॉट एवर यू वांट, जो कुछ आप जीवन में चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा, जब ये तीनों चीजें अगर मैच कर देते हैं तो।
कितने लोग कमिट करेंगे भाई इन तीनों चीजों पर काम करेंगे, तीनों चीजें मैच करेंगे, काम करेंगे, कमिटेड हैं, यस संकल्पबद्ध हैं। चैट बॉक्स में सी लिखकर टाइप कर दें, सी फॉर कमिटमेंट। बहुत बारीकी से इस पर विचार करना। एक बार अगर आपके पास डायरी हो तो अपने मेन मेन चार पांच विचार लिख लेंगे सभी लोग, क्या बनना चाहते हैं आप लोग, आपके जीवन की रियल चाहत क्या है उसको लिखेंगे अपने रजिस्टर में। लिखो, तुरंत लिख लो फटाफट, चार पांच चीजें जो आपके लिए, अपने अपने जीवन के क्या क्या चाहते हो भाई आप, और वही लिखेंगे जिस पर आपका मन माने, आपकी भावनाएं माने कि हाँ ये मैं चाहता हूं, और वही लिखेंगे जिसपे आज से आप उस तरफ कदम बढ़ा दें, व्यवहार भी वैसा करना है। लिख लिए, चार पांच चीजें लिख लो फटाफट, क्या बनना चाहते हैं भाई, किस पोस्ट पर, किस मुकाम पर, किस प्रकार की गाड़ी में, किस प्रकार के बंगले में, किस प्रकार के बैंक बैलेंस के साथ, किस प्रकार का जीवन आप जीना चाहते हैं, नोट कर लेंगे इसे। और फिर आज से उसे भावनाओं में लाना है, भावनाओं के साथ वास्तविकता भी आपकी वैसी होनी चाहिए, वास्तविक व्यवहार आपका वैसा होना चाहिए। गॉट द पॉइंट? द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग वेदर और नॉट वी अंडरस्टैंड इट। अगर इस लॉ को हम जानते हैं तभी ये काम कर रहा है, अगर इस लॉ को हम नहीं जानते तभी ये काम कर रहा है। मतलब ये सीखना नहीं सीखना, जानना नहीं जानने से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं सर मैं इसको आज तक तो कभी सीखा नहीं, तो आपने नहीं सीखा तब भी ये काम कर रहा था, तब भी आपके साथ वही होता था जो आप सोचते थे। कितने लोगों ने जीवन में महसूस किया है कभी कि आपने जो बोला वही हो गया, आपने बोला कि यार अभी तो बहुत तेज से गाड़ी चला रहा है इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, और आगे जाके आपने देखा तो पता चला एक्सीडेंट हो गया, आपने बोला कि देखो मैं बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी महसूस किया ऐसा? हाँ जी, कितने लोगों ने महसूस किया ये चीज, जो आपने बोला और वो हो गया, आपने किसी को बोला कि देखो मैं बोल रहा था कि बीमार हो जाएगा और सही में बीमार हो गया, सही में सर्दी हो गई, सही में खांसी लग गई, कभी ऐसा हुआ है? या आपने कहीं तुक्का लगाया, कहीं बिजनेस में कहीं हाथ डाला, पैसे में हाथ डाला और आपने सोचा कि मुझे यहाँ प्रॉफिट मिल जाएगा और आप सबको सही में प्रॉफिट मिल गया, ऐसा भी हुआ होगा? हाँ जी, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोस्तों तब भी काम करता है जब आप इसे नहीं जानते, और ये तब भी काम करता है जब आप इसे जानते हैं। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि जब जानेंगे तो हम वही प्लान करेंगे जो हम जीवन में चाहते हैं, है कि नहीं? हम वही सोचेंगे जो हम जीवन में चाहते हैं, जो नकारात्मक चीजें हम चाहते हैं नहीं चाहते वो भी हो जाता है, तो उस पर हमें काम करना है। गेटिंग? दोस्त का एक रोड एक्सीडेंट हो गया था, है ना? तो दोस्तों, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट मोस्ट। जिस चीज के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं वही हमें प्राप्त होती है, वही हम बन जाते हैं। लिख लो, क्या लिखेंगे? जिस चीज के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं वही हमें प्राप्त होती है, या वही हम बन जाते हैं। जिस चीज के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं वही हमें प्राप्त होती है, या हम वो बन जाते हैं। जिस चीज के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं वही हमें प्राप्त होती है, या वह हम बन जाते हैं। अब मान लो आप अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बहुत ज्यादा चर्चा कर रहा है, करे यार डायबिटीज लोगों को फैल रही, इसको डायबिटीज हो गया, उसको डायबिटीज हो गया, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, बहुत स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मौसी को हो गया, फूफा को हो गया, चाचा को हो गया, तो आप बहुत जल्दी पाएंगे कि आपको भी डायबिटीज हो गया।
जिस चीज के बारे में आप फ्रीक्वेंटली सोचते रहते हैं वही आप बन जाते हैं या वही आपको प्राप्त हो जाती है। जो कर्जे के बारे में, ऋण के बारे में, लोन के बारे में फ्रीक्वेंटली सोच रहा है उसके पास लोन बढ़ जाएगा। जो स्वास्थ्य के बारे में फ्रीक्वेंटली सोच रहा है उसका स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा। जो स्वास्थ्य बीमारी के बारे में फ्रीक्वेंटली सोच रहा है वो बीमार बन जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्लीज चैट बॉक्स में एक बार यस लिखकर टाइप करें। समझ में आ रहा है क्या ये टॉपिक आज का? सो बीइंग ए स्पीकर दोस्तों, ये बहुत काम की चीज है जो आज आप सीख रहे हैं। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स माइंड ट्रेनिंग। आपके माइंड को ट्रेंड करना पड़ेगा कि आप जो जीवन में चाहते हैं वो आप कर पाए। कुछ लोग सोचते बहुत है लेकिन बहाना बहुत देते हैं। कितने लोग मानते हैं? हाँ, कल से होमवर्क करूंगा, परसों से होमवर्क करूंगा, नर्सों से होमवर्क करूंगा। और इस सेशन में भी दोस्तों बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा है कि सर शुरू तो करता हूं लेकिन रह जाता है, कंटिन्यू नहीं कर पाता हूं। इसलिए रह जाता है कि आप सोचते हैं कि स्पीकर बनना है लेकिन व्यवहार महसूस नहीं कर पाते कि मैं स्पीकर हूं। एक तो सोचना, सोचने के बाद महसूस करना, महसूस के बाद उसी क्षेत्र में काम करना। अगर एक व्यक्ति है जो बड़ा स्पीकर है वो कैसे व्यवहार करेगा भाई? वो कैसे खड़ा होगा, कैसे व्यवहार करेगा, कैसे दिखेगा, कैसे एक्ट करेगा? मानते सभी लोग? तो आपके व्यवहार में भी लाना, जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचेंगे वही आपको मिल जाएगी। चलो अभी सभी लोग इस पर सोच के जरा बताओ, ऐसी कोई चीज है क्या जिसके बारे में आपने साल 6 महीने में बार 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 सोचा और वो आपके साथ हो गया? नाम नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखना है कि हाँ हुआ है। वो चाहे अच्छा हुआ हो चाहे बुरा हुआ हो, आपने कुछ चीज, अच्छी चीज बार 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 आपके दिमाग में चल रही थी, 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 चल रही थी और वो हो गई। और कुछ बुरी चीज चल रही थी, 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 वो हो गई। ऐसा महसूस किया आप लोगों ने? बहुत सुंदर मनोहर भाई, प्रदीप भाई, मानते ये चीजें हुआ है? यस, बहुत बढ़िया। ये दोस्तों ये नियम काम करता है। बहुत बार अच्छी चीज भी हुई है, महसूस किया है प्रवीण भाई, वेरी गुड। 100% दोस्तों ये नियम काम करता है। गेटिंग? वी ऑल्सो अट्रैक्ट व्हाट वी थिंक अबाउट मोस्ट। हम जिस चीज के बारे में सोचेंगे उसे हम अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, और वो कुछ भी हो सकता है। वो स्वास्थ्य हो सकता है, प्यार हो सकती है, खुशियां हो सकती हैं, पैसा हो सकता है। जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचेंगे, जिस चीज के बारे में आप ज्यादा महसूस करेंगे, जिस चीज के बारे में सोचकर महसूस करके आप काम करेंगे, वो चीज प्राप्त हो जाएगी। समझ में आया सबको? सिंपल फॉर्मूला है। जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचेंगे, जिस चीज के बारे में आप ज्यादा महसूस करेंगे, और जिस चीज के बारे में आप सोचकर महसूस करके काम कर रहे हैं, वही चीज आपको प्राप्त होती। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट वी थिंक अबाउट वी ब्रिंग अबाउट। जो हमें सोचते हैं वही हमें प्राप्त होती, जो हम सोचते हैं वही हमें मिलता है। हमें वही मिलेगा जो विचार हमारे मन में है। अगर हमने कभी सोचा नहीं कि हम अभिनेता बन जाएं तो क्या हम अभिनेता बन जाएंगे? बताओ जरा, हम जाके पिक्चर में हीरो बन जाएंगे क्या? अगर आपने कभी सोचा नहीं है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं तो क्या आप डॉक्टर बन जाएंगे क्या? हाँ जी, अगर आपने कभी सोचा नहीं कि आपको बिजनेसमैन बनना है और आप नौकरी कर रहे हैं तो आप कभी बिजनेसमैन बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। मतलब यही है कि जो आपने सोचा है वही आप बने हैं। ये सारा गणित आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आपके विचार कैसे हैं, आपकी सोच कैसी।
इस पर दोस्तों बहुत कुछ निर्भर करता है, इस पर हमें काम करना है। द एक्सटर्नल एनवायरमेंट सराउंडिंग आवर लाइफ इज द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर इंटरनल वर्ल्ड। द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, हम बाहरी वातावरण अपने जीवन में जो कुछ बनाते हैं, ये हमारे अंदर की दुनिया, हमारे अंदर की दुनिया को निर्धारित करती। मतलब जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत, जिन लोगों में उठोगे बैठोगे वैसी भावनाएं आप अंदर क्रिएट कर पाओगे। जैसी एक्सटर्नल एनवायरमेंट आप मेंटेन करेंगे वैसी ही आंतरिक व्यवहार आपका बनता है, अंतर मन आपका वैसे बनता है, और जैसा अंतर मन बनेगा वैसा ही जीवन प्राप्त होगा। इसलिए अच्छे लोगों में उठना बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक अच्छा सराउंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस चीज, जिस जैसा जीवन आप चाहते हैं, ऐसे लोगों की संगत बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। मानते सभी लोग, एक अच्छा गुरु, अच्छा मेंटोर बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने लोग मानते हैं? यस, एक गुरु हो, उसके अलावा वो जगह हो। अगर आप वक्ता बनना चाहते हैं तो आपको ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां आप अपनी स्पीच का प्रदर्शन कर सकते हैं। आप सिर्फ घर में बैठे रहेंगे और आप सोचेंगे कि मैं वक्ता बन जाऊंगा, तो ये संभव नहीं है। आपको उस मीटिंग को अटेंड करना पड़ेगा जहां पे आपको स्पीच बोलना पड़ सकता है। आपको ऐसी जगह जाना पड़ेगा, लोगों को सुनना पड़ेगा, लोगों को देखना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा। समझ में आ रही बात सबको? यस, ये दोस्तों सबसे काम की चीज है। बिल्कुल राकेश भाई, बिल्कुल राकेश भाई। ऑफ द इमेज दैट वी कॉन्स्टेंटली होल्ड इन आर माइंड, हमें वही प्राप्त होती है जो हमारे दिमाग में, जो छवि हमारे दिमाग में बनी हुई है, अगर वो कंटिन्यू जो छवि बनी हुई है वही हमें प्राप्त हो जाएगी। जैसा जीवन चाहते हैं वैसी छवि अपने मस्तिष्क में हमें बनाना पड़ेगा। कैसा जीवन आप चाहते हैं वैसा छवि बनाइए दिमाग में, और वही आप बन जाएंगे। समझ में आ रही बात सबको? हमारे दिमाग में हम जैसी छवि, जैसे चित्र रखते हैं अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, बैंक बैलेंस के प्रति, जैसी छवि हम रखते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। अब कैसी छवि आप रख रहे हैं उस पर विचार करो। कैसी जिंदगी आप चाहते हैं, कैसी दुनिया आप चाहते हैं, इस पर विचार करो। किस प्रकार का चित्र आपके मन मन में है, इस पर विचार करो। अच्छा, कितने लोग यहाँ हैं जो मानते हैं कि भाई जो हमारी चाहत है, और जिस प्रकार का रील हम देखते हैं, जिस प्रकार की किताबें हम पढ़ते हैं, जिस प्रकार की सोच हम रखते हैं, हमारी चाहत और हमारे कर्म और हमारे मस्तिष्क में जो छवि है उसमें अंतर है कि सेम है, ये बताइए आप लोग। हाँ जी, चाहते हैं कि हम मैनेजर बन जाए, चाहते हैं कि हम प्लांट हेड बन जाए, चाहते हैं कि हम बड़े बिजनेसमैन बन जाए, लेकिन सोच कुछ अलग रहे हैं, विचार कुछ अलग है हमारे, भावनाएं कुछ अलग है हमारी। समझ जिस प्रकार का जीवन हम चाहते हैं क्या वैसी ही छवि हमारे मन में है? ज्यादातर भिन्न भी है। समझने में बहुत साल बीत गए। बिल्कुल, ये बात तो है प्रवीण जी। ये चीजें जितनी जल्द जल्दी पता चल जाए उतनी जल्दी जीवन अच्छा हो जाता है, लेकिन ये सब लोगों को समझ में बहुत लेट आता है कि नहीं?
तो जिस प्रकार की छवि दोस्तों मन में बनाते हैं वैसा जीवन हमें प्राप्त होता है। जैसी छवि हमारे मस्तिष्क में रहेगी, वी ड्रॉ एवरीथिंग टू आवर सेल्फ। हम अपने जीवन में वो सब कुछ बना सकते हैं, पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। मतलब हमें ड्रॉ करना है, हमें प्रॉपर लिखना है हमारे जीवन के प्रति हम क्या चाहते हैं। बताइए, आप जीवन में खूब पैसा कमाना चाहते हैं? कितने लोग पैसा कमाना चाहते हैं? कितने लोग खूब पैसा कमाना चाहते हैं? चाहते कि पैसा खूब कमा ले? हाँ जी, कितने लोग चाहते हैं खूब पैसा कमाएं? बहुत बढ़िया। हाँ, तो पैसे से घृणा नहीं करना। कुछ लोग बोलते हैं ये जो अमीर लोग हैं ये बुरे रहते हैं, बुरे कर्म करके पैसा कमाते हैं। तो जब पैसे से आप नफरत करोगे तो पैसा आपके पास नहीं आएगा, है कि नहीं? पैसे के प्रति व्यवहार विचार आपके अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं साहब, हम तो जितना मिल रहा है उसमें खुश हैं। कह रहे हैं कि ऐसे खुश हैं लेकिन मन में सोच रहे हैं कि और भी कमाना है। देखो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। तो जो हमारा जो व्यवहार है और हमारी जो सोच है एक होनी चाहिए। अब हम ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो हमें इमीडिएट अपने आप से प्रश्न पूछना है कि क्या मैं पैसे वाला आज से अपने आप को फील करूंगा या कर रहा हूं? और अगर पैसे वाला फील कर रहा हूं कि मैं रिच हो चुका हूं, तो कल सुबह उठने के बाद एक रिच व्यक्ति जो पैसा कमाता है उसके व्यवहार कैसे होने चाहिए? या जहां से पैसे आएंगे, जहां से आप कमाना चाहते हो, उस क्षेत्र में कल सुबह उठकर कितने बजे से आप लग जाएंगे? ये बात समझ आ रही क्या सबको? फिर हम 9 बजे तक आराम से सोए हैं, सुबह आराम आराम से चाय पी, आराम आराम से अपना बैग लिया, आराम आराम से ऑफिस चले गए, आराम आराम से आ गए, आराम आराम से बाकी ये सब बोल दिए थे कि सर ने पूछा था तो हमने बोल दिया था कमाना ज्यादा बस। गॉट द पॉइंट? तो उस क्षेत्र में कर्म करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कर्म वैसा करना पड़ेगा, वैसे लोगों के बीच में आपको रहना पड़ेगा। आप किन लोगों में रहते हो ये भी डिसाइड करता है कि आप कैसे बन जाओगे। समझ में आ रही बात? आप किन लोगों में रहते हो, आपकी सराउंडिंग कैसे लोगों के साथ है, किन लोगों के साथ आपका उठक बैठक है भाई, किन लोगों के साथ आप रहते हैं, वैसा आप बन जाएंगे। सराउंडिंग कैसी है आपकी? ऐसे लोगों को जीवन में जल्दी से जल्दी दूर कर दो जो आपके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, जो आपको गलत सलाह दे रहे हैं, जो आपके प्रति मन में जलन की भावना रख रहे हैं, है कि नहीं? वो एक कहावत भी है ना, हम लोग पेरेंटिंग में सिखाते हैं, लोगों से कहते हैं कि जिसे आप प्यार करते हैं लेकिन वो आपको प्यार नहीं करती, तो शादी उससे करना चाहिए, या जो आपसे प्यार करती है लेकिन आप उससे प्यार भले ही नहीं करते, शादी उससे करना चाहिए। आप बताओ किसे करना चाहिए, है ना? कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, कैसा होना चाहिए बताओ? ऑप्शन नंबर वन, जिसे आप प्यार करते हैं लेकिन वो आपसे प्यार नहीं करती, शादी उससे करना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आप उससे प्यार नहीं करते लेकिन वो आपसे प्यार करती है, तो शादी उससे करना चाहिए। वेरी गुड। देखो सबको समझ में आ गई बात भाई, जो आपसे प्यार कर रही है जब उसका प्यार करने का व्यवहार है तो आपको भी बाद में उससे प्यार हो जाएगा। समझ में आ रही बात? उसके साथ आपका जीवन बहुत अच्छे से कट जाएगा, प्रसन्नता के साथ कट जाएगा। ऐसे होता है जीवन में कि ऐसे लोग जो आपका हित सोचते हैं उनको साथ रखो, जो आपका अहित सोचते हैं, जो आपको गलत मैसेज दे रहे हैं, गलत अफर्मेशन दे रहे हैं, आपको गलत सलाह दे रहे हैं, शकुनी लोग हैं आपके जीवन में, मंत्रा है आपके जीवन में, ऐसे शकुनी को मंत्रा को दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मानते हैं? क्योंकि चंद्रगुप्त बनने के लिए चाणक्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई साहब।
जिस भी व्यक्ति के जीवन में सही चाणक्य मिल जाए उसका लाइफ चेंज हो जाता है, सही मेंटोर मिल जाए, सही दिशा दिखाने वाला मिल जाए तो लाइफ चेंज हो जाता है ना। आपका काम देखो, ये भी लोग आपके कैसे हैं, काम आपका कैसा है, ये सब डिसाइड करेगा कि आप कहां तक पहुंचेंगे। किस प्रकार का जॉब आप करते हैं, जॉब मतलब काम करते हैं, टोटल दिनचर्या आपकी कैसी बीतती है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम हमारे लक्ष्य को पाने के लिए 24 घंटे का जो लाइफ मिलता है उसमें हमने क्या किया, रोज अपने आप से प्रश्न पूछे कि आज हमने नया क्या किया। कुछ नया पाने के लिए आज हमने नया क्या किया, मानते सभी लोग? भाई हमारे खेत में बैगन लगा है, हम रोज जाते हैं बैगन में पानी दे के आ जाते हैं और सोच रहे कि हमको टमाटर भी मिलना चाहिए। फिर सुबह उठे फिर बैगन में पानी दे के आ गए, फिर सोच रहे कि हमको टमाटर भी मिलना चाहिए। फिर सुबह उठे फिर बैगन में पानी दे के आ गए, फिर सोच रहे हमको टमाटर भी मिलना चाहिए। मिलेगा टमाटर कभी आपको? ऐसे में कभी टमाटर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा आपको। फिर टमाटर के भी झाड़ लगाने पड़ेंगे, फिर बैगन में भी पानी देना पड़ेगा और साथ में टमाटर में भी पानी देना पड़ेगा, तो कुछ दिन के बाद टमाटर भी उगेगा। जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, जब उस क्षेत्र में आप कर्म करना शुरू करेंगे, तो जो रेगुलर कर्म है उससे थोड़ा और अलग भी कर्म करना शुरू करेंगे तो थोड़ा और अलग जीवन प्राप्त होगा, थोड़ा और अलग खुशियां भी प्राप्त होगी, थोड़ा और अलग धन भी प्राप्त होगा। समझ में आ रही बात सबको? ये बहुत बारीक चीजें आप लोग सीख रहे हैं, माइंड पावर सिखा रहा हूँ ये, इसलिए बहुत आराम आराम से बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा उछल के चिल्ला के जोश में नहीं बोल रहा हूँ, जब बाउंस हो जाए इसको धीरे धीरे समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये मन को समझ गया तो मेरा काम हो गया, फिर आप खुद ही चिल्लाएंगे। ये बहुत शालीनता से सिखाने वाली चीज है। तो लोग कैसे हैं हमारे साथ, काम कैसे, हमारा काम कैसा है और हमारा सरकमस्टेंस कैसा है। कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। सरकमस्टेंस पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है दोस्तों, किसी भी शहर में जो सिविल लाइन एरिया रहता है वहां के रेट्स बहुत हाई रहते हैं जमीन की। जो भी सिविल लाइन रहता है वहां के रेट बहुत हाई रहते हैं, मानते सभी लोग? क्यों रेट ज्यादा रहते भाई? क्योंकि यहाँ पर सिविलाइज्ड लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, और जब अच्छे लोगों की संगत में आप रहना चाहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो सरकमस्टेंस वो आपको मिलेगा, उनका वातावरण आपको मिलेगा, उनकी जान पहचान आपको मिलेगी, उनके साथ वॉकिंग करने को आपको मिलेगा, उनके साथ उठना बैठना आपको मिलेगा, मानते हैं? तो कीमत जगह की नहीं होती, कीमत उस जगह के आसपास रहने वाले लोगों की होती है, उससे जगह की कीमत बढ़ जाती है। कीमत जगह की नहीं होती, कीमत किस चीज की होती है? आसपास रहने वाले लोग, आसपास का वातावरण कैसा है। जहां भी एम्स बन जाता है देखना, वहां की कीमत बढ़ जाएगी। जहां पे एक अच्छा हॉस्पिटल बन जाए वहां की कीमत बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी भाई? क्योंकि वहां एक अच्छा वातावरण मेंटेन हो गया। गॉट द पॉइंट? तो आप किस वातावरण में रहते हैं इस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। आपका स्वास्थ्य कैसा है इस पर काम करना पड़ेगा आपको, हेल्थ के ऊपर। स्वास्थ्य अच्छा है तो अच्छे विचार भी लाओगे, स्वास्थ्य अच्छा है तो अच्छी भावनाएं भी रहेंगी, और स्वास्थ्य अच्छा है तो अच्छे कर्म भी आप करेंगे। तो आपको हेल्थ पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, हेल्दी भी रहना पड़ेगा। एक स्पीकर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो हेल्दी रहे। पैसा, वेल्थ के प्रति आपका नजरिया कैसा है? पैसा अच्छा होता है, पैसा बुरा होता है? हाँ जी, कुछ लोग पता है पैसे को भी गाली देते हैं। क्या करते हैं? कुछ लोग पैसे को सम्मान नहीं करते हैं, पैसे को गाली देते हैं। हेलो।
वेल्थ, पैसे के प्रति हमारा नजरिया कैसा है, किस प्रकार के हमारे विचार हैं, हमारी भावनाएं कैसी हैं। गॉट द पॉइंट? तो हमें पैसे को किस भाव से देखना चाहिए? कुछ ले तो भगवान उतना ही दे दो जिसमें बस काम चल जाए, हमको ज्यादा चाहिए नहीं। बहुत लोगों के मुंह से मैं सुना हूं, सुना आप लोगों ने, ऐसे लोग बोलते हैं उतना ही दे दो भैया। अरे क्यों उतना ही दे दो, बोलो ना ज्यादा दो, और आप करो ना लोगों को भला, लोगों को दान करो, लोगों को खिलाओ, लोगों को पिलाओ, अनाथ आश्रम बनाओ। क्यों क्यों ज्यादा नहीं चाहिए भाई, क्यों चाहते हो कम चाहिए? कुछ लोग मन में विचार करके रखते हैं, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं भाई साहब, बहुत कठिन है पैसा कमाना। जब आपकी सोच वैसी है तो आपके लिए कठिन ही रहेगा पैसा कमाना। व्हाट द पॉइंट? जो लोग कर्जे के बारे में सोचते हैं, बिल के बारे में सोचते हैं, और उसको खूब हाईलाइट करते हैं घर में, परिवार में, पता है यार बिजली का बिल इतना आया। अच्छा ठीक है, पत्नी से बता दिए, फिर बेटे से भी बताएंगे बिजली का बिल इतना आया, फिर दोस्त से भी बताएंगे बिजली का बिल इतना आया, फिर दूसरे दोस्त से भी बताएंगे बिजली का बिल इतना आया। तो इसके बाद बिजली का बिल बढ़ जाएगा, और आपका अगर 1,000 आता होगा ना तो 1,200 आएगा, लिख के देता हूं मैं, और आपने महसूस भी किया होगा। 1,200 आता होगा, 1,400 आएगा, देख लेना आप। जो अपने कर्जे के बारे में लोगों को बताते फिरते हैं, जो अपने घर की तकलीफ लोगों के बारे में बताते फिरते हैं कि मुझे ये तकलीफ है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरी पत्नी खराब है, मुझे घर में सुख नहीं है, बहुत टेंशन है घर में, बहुत टेंशन है घर में, घर में तो जाने का मन नहीं करता, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन, तो टेंशन और बढ़ता जाएगा। समझ आ रही बात सबको? यस। तो हमें सोचना वही है जो हम चाहते हैं, हमें प्रमोट उसी चीज को करना है, एड उसी चीज का करना है, प्रचार उसी चीज का करना है जो हमें चाहिए। गलत चीज का प्रचार कर दोगे तो गलत चीज फैल जाएगी। समझ मेरी बात सबको? एक मेंटल ट्रैप होता है ये, और उस मेंटल ट्रैप में दोस्तों हम लोग फंस जाते हैं गलत प्रचार में। एक छोटा सा एग्जाम्पल दोस्तों यहां पर दे रहा हूं, वो ध्यान से आपको समझना है इस एग्जाम्पल। मान लो आपको अलादीन की चिराग मिल जाए, क्या मिल जाए आपको? अलादीन का चिराग, और वो अलादीन का चिराग आपको क्या कहता है? अलादीन का चिराग कैसा था, कहानी सुने आप लोगों ने? उसको घसो तो घसने के बाद उसमें से एक जिन निकलता है, और वो जिन क्या कहता है, क्या हुक्म है मेरे आका, आपका हुक्म ही मेरी ख्वाहिश है, जो आप हुक्म कर देंगे वही मैं कर दूंगा, है ना? जिन क्या कहता है, क्या हुक्म है मेरे आका, ये जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, ये वो जिन है, और ये ब्रह्मांड हर पल आपको पूछ रहा है क्या हुक्म है मेरे आका, क्या हुक्म है मेरे आका, क्या हुक्म है मेरे आका, हर पल पूछ रहा है। 24 घंटा 1440 मिनट, 24 घंटे के 1440 मिनट में से आप ये ब्रह्मांड पूछ रहा है क्या हुक्म है मेरे आका। तो आका क्या बोल रहे हैं, बहुत टेंशन है। तो जिन वो टेंशन और बढ़ा दे रहा है, ले आका क्या बोल रहे हैं, लोग तो मेरा सम्मान ही नहीं करते, तो वो जिन और आपके सम्मान को और मटिया मेट कर देता है। आका क्या बोल रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती मेरी, तो बहुत सुस्ती लगती है, कुछ भी सोचता हूं तो कर ही नहीं पाता हूं। आका 24 घंटे में 90% वो सोच रहे हैं जो आका अपने लिए पसंद नहीं करते हैं, सुस्ती नहीं पसंद करते, उदासी नहीं पसंद करते, ऋण नहीं पसंद करते, कर्जा नहीं पसंद करते, बुराइयां नहीं पसंद करते, गाली गलौज नहीं पसंद करते, बीमारियां नहीं पसंद करते, लेकिन दुख इस बात का है कि आका 90% दिन भर में वही सोच रहे हैं, और जिन उसी चीज को बढ़ा रहा है। जिन क्या कर रहा है, जो सोच है आका की उसको बढ़ा देगा।
समझ आ रही बात सबको? क्या हुक्म है मेरे आका? तो जो हुक्म रहेगा तो जिन कहेगा तथास्तु। आपने कहा कि मुझे खाना चाहिए तो जिन ने कहा तथास्तु आपको भोजन मिल जाएगा। आपने कहा मुझे पैसा चाहिए तो जिन ने कहा तथास्तु आपको पैसा मिल जाएगा। क्या हुक्म है मेरे का आका? तो बोले यार बहुत डायबिटीज हो रहा है लोगों को, तथास्तु। लो तुमको भी डायबिटीज हो गया। तो मेरी बात कुछ लोग, अच्छा कुछ लोगों से पूछना और भाई साहब कैसा चल रहा है। बोले मत पूछो यार, बोले नॉट टेंशन है जीवन में। जिन बोला तथास्तु और इनका टेंशन बढ़ाया जाए। जॉब में भी बहुत टेंशन है आजकल तो। कितने लोगों ने सुना ये सब कहानी? ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा कहानी मानते। बिजनेस में भी बहुत टेंशन है, परिवार में भी बहुत टेंशन है। खर्चा दिन ब दिन यार बढ़ते ही जा रहा है। जितना कमाओ उसमें घर में कुछ पूरा ही नहीं होता है। तथास्तु तथास्तु। ले जिन तो लगा है 24 घंटा, जिनको थोड़ी नहीं सुस्ती आ रही है। सोच समझ कर सोचना कि क्या सोच रहे हो। अजी सोच समझ कर सोचना कि क्या सोच रहे हो। सोच समझ कर सोचना कि क्या सोच रहे हो, क्योंकि जैसे ही कुछ गलत सोचोगे वो जिन उसको पूरा कर देगा। समझ मेरी बात? तो ये है माइंड पावर भैया। इस पर काम करने में बड़ी आनंद आता, बड़ा मजा आता है। हमारे घर में इतनी ट्रॉफियां, मैं बचपन से ही सोचता था कि मेरे पास खूब ट्रॉफी होनी चाहिए। मुझे सम्मान मिले, मैं लोगों में जाऊं, क्योंकि बहुत असम्मान हर जगह, कहीं कोई सम्मान ही नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, हर चीज ऐसी बहुत बेइज्जती वाली लाइफ थी। तो मन में सोचता था कि नहीं मुझे भी सम्मान मिलना चाहिए। रोज सोचता सम्मान 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 सम्मान। लो सम्मान मिला कि नहीं मिला भाई? ये कुरियर की नौकरी करने वाला, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाला, डोर टू डोर मार्केटिंग करने वाले, आज व्यक्ति के पास इतनी ट्रॉफी आ गई कि ये काम किया कि नहीं? वो जिन ने अपना काम किया कि नहीं किया, है कि नहीं? जो आप सोचेंगे वही बढ़ जाएगा, जो आप सोचेंगे। अच्छा बहुत दुख की बात है, कुछ लोग मोटे हैं वो ये नहीं सोचते कि मैं दुबला हो जाऊं। वो बोलेंगे यार मैं तो मोटा हूं। अरे यार पेट थोड़ा सा ज्यादा निकला हुआ है। जिन और पेट को निकाल देगा बाहर और मोटापे को बढ़ा देगा। गेटिंग माय पॉइंट? यही यही जो मैं बता रहा हूं नीलिमा जी, यही तो किया हूं। किसी को कंफ्यूजन है? जैसे भाई मेरे पास ट्रॉफी आई तो नीलिमा जी का प्रश्न है कि इसके लिए मैंने क्या किया। तो मैं इतनी देर से 50 मिनट से यही सिखा रहा हूं कि क्या करना है। जो हमें चाहिए वही विचार रखना है और उस विचार को अपनी भावनाओं में लाना है और उस भावनाओं के अनुसार ही कर्म करना है। तीन चीजें बस, तीसरा चौथा कुछ नहीं है। जो चीज आपकी चाहत है, चलो चैट बॉक्स में एक बार सब लोग अपनी चाहत लिखो तो मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा क्या चाहत आप लोगों के रियल चाहत। चाहत लिखो तो फिर मैं बताऊंगा वो चाहत पूरी होगी कि नहीं होगी, वो कैसे होगी। सभी लोग चैट बॉक्स अपनी चाहत लिखेंगे, क्या चाहते हैं आप जीवन में, क्या चाहते हैं जीवन में आप। चलो नाम कमाना चाहते हैं, खूब पैसा कमाना चाहते हैं, पर वीक 1 लाख की अर्निंग होनी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, मेमोरी गुरु बनना चाहते हैं, बड़ा स्पीकर बनना चाहते हैं, सुखमय लाइफ चाहते हैं। देखो अब या अब इसमें थोड़ा सा समझिए, जितनी अच्छी और क्लियर हमारी चाहत होगी उतनी जल्दी वो चाहत जिन पूरा करेगा। समझो जरा,
जैसे यहां देखो पहला प्रश्न है, लालू सिंह नाम कमाना चाहते हैं। अब नाम जो इंसान सूट करता ना, किसी का गला काट देता उसका भी नाम होता है, जो बलात्कार करता उसका भी नाम होता है, जो चोरी करता उसका भी नाम होता है, जो आलसी व्यक्ति उसका भी नाम होता है। घर में सब बोलेंगे महा आलसी है यार, बड़ा निठल्ला है, अरे किसी काम का ही नहीं है। समझो जरा, जब आप पूछेंगे ना जिनको, तो जिन ऐसे प्रश्न करेगा आपसे नाम कमाना मतलब क्या, तो जिन कंफ्यूज हो जाएगा तो किसी चीज में नाम कमवा देगा आपको। समझ में आई लालू सिंह जी? तो क्लियरिटी से लिखो कि मैं आईएएस बनकर नाम कमाना चाहता हूं, मैं बड़ा बिजनेसमैन एक 10,000 करोड़ की कंपनी खड़ी करके नाम कमाना चाहता हूं, तो वो जिन बराबर वही काम करेगा, नहीं तो कहीं भी नाम कमवा देगा, पूरे रिश्तेदारों में नाम हो जाएगा आपका कुछ ना कुछ लेकर। ठीक है, जैसे खूब पैसा कमाना चाहता हूं, पीजी बुढ़ापे जी। अब खूब की क्या परिभाषा है भाई? जो एक गरीब व्यक्ति है उसको 500 रुपए मिल जाए और 25 रुपए के झुनका भाकर में वो खाना खाता है, तो 500 रुपए तो उसके लिए खूब हो गया आज, मानते सभी लोग 500 खूब हो गया सर, वो तो बोलेगा लोगों आज खूब कमाई हुई। ये खूब शब्द में कोई क्लियरिटी नहीं है, उसमें नंबर नहीं है, तो ये नहीं मिलेगा। जैसे ये देखिए माछी साहब ने लिखा है पर वीक 1 लाख अर्निंग, ये एकदम परफेक्ट है। तो फिर अब हमारे मन को भरोसा होना चाहिए माछी जी कि मैं 1 महीने में हर हफ्ते 1 लाख कमा सकता, प्लस रोज सुबह जब सो के उठेंगे तो 1 लाख पर डे कमाने वाला कर्म हमें करना पड़ेगा, ताकि हमें विश्वास हो कि कर्म करके 1 लाख कमा सकता। लेकिन कर्म नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, तब ये पूरा नहीं होगा। नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता हूं, ये तो सर बहुत छोटी सी चाहत है, कहीं भी 100 रुपए दे के ज्वाइनिंग कर लो, नेटवर्क मार्केटिंग हो जाएगा, ये कोई चाहत ये तो कुछ है ही नहीं इसमें। रजनीश भाई नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता हूं, तो कर लो, ये तुम्हें तो कुछ दम ही नहीं इस चाहत में, थोड़ा सा और चाहत पैदा करो इसमें, है ना रजनीश कुमार जी? मेमोरी गुरु बनना चाहता हूं, तो भाई मैं 10,000 लोगों को मेमोरी ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। इसे नंबर रखो, फिगर रखो, आप किसी एक व्यक्ति को भी मेमोरी सिखा दोगे तब भी आप मेमोरी गुरु बन गए। उसमें और क्लियरिटी लाओ, क्या उसमें चाहत है, क्या आपका यूट्यूब चैनल होना चाहिए, उसमें 10 मिलियन सब्सक्राइबर होने चाहिए, ऐसा मेमोरी सिखाना चाहता हूँ, है ना। टारगेट रखो कि भाई इस साल कम से कम 4,000 लोगों को मेमोरी सिखाना चाहता हूँ, 2,000 लोगों को सिखाना चाहता हूँ, है ना। जीवन में बड़ा स्पीकर बनना है, तो ये बड़ा स्पीकर क्या होता है अजय मिश्रा जी, इस पर क्लियरिटी लाओ। बड़ा स्पीकर मीन्स वॉट, है ना। तो ये बड़े की कोई परिभाषा नहीं है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में एज अ डायमंड एक स्पीकर बनना चाहता हूँ, या नेटवर्क मार्केटिंग में एज अ ट्रेनर मैं स्पीकर बनना चाहता हूँ, जिसकी टिकट लोकर लोग लेकर लोग स्पीच सुने। मतलब क्लियरिटी होना चाहिए, चूंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं अजय जी, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, आप उस फील्ड में है तो आप उस फील्ड को लिखो कि सर उस फील्ड में मैं नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर स्पीकर बनना चाहता हूँ, जिसकी टिकट लेकर लोग स्पीच सुने। इसको और क्लियर रखो एकदम। अब ये देखो नीलिमा जी लिखा है सुखमय लाइफ जीना चाहती हैं, तब इसकी भी कोई परिभाषा नहीं है भाई। 2 रोटी एक कपड़ा और एक छत, रात को नींद मिल जाए, यही सुखमय लाइफ होता है, इसका मतलब फिर कुछ कोई चाहते नहीं इसके बाद, है ना। तो सुखमय लाइफ में क्या चाहते हो, क्या मिले कि सुखमय लाइफ हो, समझ में आ रही बात? जब इंसान सब त्याग देता है तब भी सुखमय लाइफ मिल जाती है, तो इस पर थोड़ा सा नीलिमा जी काम करें। मनोहर भाई ने लिखा है भाई मिलेनियर बनना वेरी गुड, एक अच्छा पॉलिटिकल ट्रेनर और मोटिवेशनल ट्रेनर के रूप में पहचान हासिल हो, बहुत बढ़िया, एकदम क्लियरिटी है उसमें, कोई डाउट ही नहीं है। बिकम फेमस, अब फेमस बनने की वही तो मैंने बता दिया बीरेंद्र भाई, लोग बलात्कार करके भी फेमस हो जाते हैं, गुंडा बन के भी फेमस हो जाते हैं, किसी को चाकू मार के भी फेमस हो जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट करके फेमस हो जाते हैं, है ना, कोई भ्रष्टाचार करके फेमस हो जाते हैं, तो ऐसे नहीं लिखना है बिकम फेमस, ठीक है। इस पर थोड़ा सा काम करें, नेम फेम एंड वेल्थ चाहता हूँ, नहीं हो पाएगा, ये क्लियरिटी नहीं है कुछ। नेम एंड मोर मनी, वास्तु भाई वास्तुचारी जी इस पर काम करें सर,
ये नेम और मोर मनी काम नहीं करेगा। लग्जरी लाइफ, नीलिमा जी फिर से क्लियरिटी नहीं है, व्हाट इज लग्जरी लाइफ, लग्जरी लाइफ की परिभाषा क्या है। कुछ लोग गांव में जाकर झोपड़ों में रह के बोलते हैं इट्स माई लग्जरी लाइफ, शहर छोड़ के, वो भी लग्जरी लाइफ है ना भाई। एकदम नेचर के करीब चले जाते हैं, बोलते सर मैं बहुत इस पर लग्जरियस लाइफ। क्लियरिटी, उसमें नाम लिखो, एकदम नाम लिखो, ठीक है। मध्य प्रदेश में पूरा राज करना चाहता हूं। हाँ, अभी राम भाई ने लिखा है कि मध्य प्रदेश में पूरा राज करना चाहता हूं, तो अब इसकी परिभाषा क्या। अब वो जो जिन है वो बोलेगा कि ठीक है मैं आपको पूरा राज करवाऊंगा, लेकिन कैसे करना चाहते भाई। बिजनेसमैन बन के राज करना चाहते हैं आप, कलेक्टर बन के राज करना चाहते हैं, पॉलिटिशियन बन के राज करना चाहते, कैसे राज करेंगे राम भाई। और वो आपका मन मान रहा है क्या कि मैं राज करना चाहता हूं, मैं राज करना चाहता हूं, फिर मन माने। और राज करने के लिए आप क्या एक्शन ले रहे हैं, कि क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं या कोई चुनाव जीते हैं अभी तक राम भाई, ठीक है। ये नेम फेम मनी ऐसे तो ये कुछ नहीं काम करेगा सर, नेम फेम मोर मनी एंड टॉप एस्ट्रोलॉजर। हाँ टॉप एस्ट्रोलॉजर, ये एक आपने सही लिखा है वास्तु भाई, लेकिन ये नेम फेम मोर मनी ऐसा नहीं, उसमें नाम लिख सब कैटेगरी दो उसका, ठीक है। हाँ अभी ये बहुत बढ़िया है, डायमंड बनना है, ठीक है। अच्छा चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सबसे बढ़िया एक एग्जांपल, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। वास्तु शास्त्री भाई, नीलिमा जी और रजनीश भाई, वीरेंद्र भाई, राकेश भाई, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अभी अभी एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मैंने आपको बोला कि जाओ कार लेकर आओ, जाओ पंकज शुक्ला के लिए कार खरीद के लाओ, जाओ जाओ कार खरीद के लाओ, आप क्या मुझसे पूछेंगे बताओ। मैंने बोला जाओ कार खरीद के लाओ, आप जिन हैं आप क्या पूछेंगे बताओ। मैंने बोला जाओ कार खरीद के लाओ, अब देखो पूछ लिए ना कौन सी कार, जाओ टाटा की कार खरीद के लाओ। चलो अभी अभी फिर से मैंने बोल दिया, नीलिमा जी जाओ टाटा की कार खरीद के लाओ, टाटा की कार खरीद के लाओ। अब हाँ, अब बोले मॉडल बताओ भाई, टाटा की तो बहुत कार है, लेकिन आपको टाटा में कौन सी कार चाहिए। एक काम करो, टाटा में सेडान क्लास खरीद के लाओ, सेडान कार कोई खरीद के लाओ, समझ में आ रही बात। फिर आप बोलेंगे सर सेडान में भी तो बहुत सारे नाम, तो बताओ कौन सी चाहिए आपको, है ना, ब्रांड बताओ, ब्रांड नेम बताओ, कौन सी कार चाहिए, उसका नाम क्या है। तो मैं बोला कि जाओ टाटा की सफारी खरीद के लाओ, फिर आप पूछेंगे कौन सा कलर खरीद के लाओ सफारी में, कौन सा कलर, फिर कौन सा मॉडल, मिडिल मॉडल, नॉर्मल वाला मॉडल, मिडिल मॉडल या टॉप मॉडल, कौन सा मॉडल खरीद के लाऊं। ये बात समझ में आ रही क्या सबको, यही प्रश्न आपको अपने जीवन से पूछना है। ये जो लिखे ना, नेम चाहिए तो कौन सा नेम चाहिए, फेम चाहिए कौन सा फेम चाहिए भाई। अजी कोई कमिश्नर कोई थप्पड़ मार के भी फेमस हो जाता है, कोई मुख्यमंत्री के चेहरे पे स्याही पेच के भी फेमस हुआ है। हाँ बुरहान वानी भी तो फेमस है, जितने आतंकवादी सब फेमस तो हैं। ऐसा क्लियरिटी नहीं रखेंगे तो वो जिन जो है गलत काम कर देगा। जैसे जिन को बोलेंगे खाना चाहिए, खाना बोलेंगे कौन सा खाना चाहिए भाई। अब आप बोलेंगे सर मैं तो बहुत बार सोचा मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, लेकिन खाना तो दिया नहीं, तो देगा भी नहीं ना, कंफ्यूज है वो आपके अगले मैसेज का इंतजार कर रहा है जिन, कि भाई खाना में क्या चाहिए। समझ मेरी बात सबको। तो दोस्तों ये काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस पर अगर आप लोग काम करेंगे बहुत बढ़िया।
हाँ बिल्कुल सुदान भाई, ऐसे तो जितनी क्लियरिटी दोस्तों आप लोग रखेंगे, हाँ हाँ जैसे अभी आपने लिखा कि कुछ बात के लिए क्लियर रहते, कुछ बात के लिए क्लियर नहीं रहते, फिर भी नहीं मिलता। वो इसलिए नहीं मिलता कि उसमें तीनों चीजें नीलिमा जी मैच नहीं होती होंगी। पहला कि हम वो चीज सोच रहे हैं, फिर हम दिल से महसूस करें कि हाँ वो मेरी है या मैं इस वैसे मैं हूं, और तीसरा उस दिशा में काम कर रहे हैं नियमित। नीलिमा जी, नियमित सुबह उठकर क्या मैं उसी दिशा में काम कर रहा हूं जो मेरी सोच है, जो मैं महसूस करता हूं? अगर हाँ तो 110% मिलेगा, लेकिन तुरंत नहीं मिलेगा। मैंने कैसे बोला कि बैगन के झाड़ में पानी डाल रहे, लेकिन टमाटर भी चाहिए, तो टमाटर का झाड़ तो लगा दो, उसमें भी पानी डालते रहो, फिर एक समय बीतेगा, रोज पानी डालते रहेंगे डालते रहेंगे। अच्छा मान लो आपने 10 दिन बैगन के झाड़ में टमाटर लगा दिया और 10 दिन टमाटर के झाड़ में पानी डाला, उसके बाद आपके मन ने सोचा कि नहीं नहीं अब ये टमाटर उगेगा ही नहीं, ये टमाटर मिलने वाला नहीं है, तो आपने उस पे पानी डालना बंद कर दिया। अब वो टमाटर मिलेगा क्या आपको? अब वो सूख जाएगा कुछ दिन में। मतलब जो एक विचार उगा था, जिस पर आपने थोड़ा सा काम किया था, जब आपके फीलिंग ने ये सोचा कि नहीं नहीं ये तो मुझे प्राप्ति नहीं हो रहा, ये किसी काम का ही नहीं है, तो झाड़ फिर से सूख जाएगा, वो विचार फिर से खत्म हो जाएगा। और वो जिन सोचेगा अरे तो मैं तो पूरा करके देने वाला था, लेकिन अब इसने कैंसिल कर दिया तो मैं क्या करूं? जैसे आपने बोला कि एक काम करो सर, मेरे लिए मसाला डोसा लेकर आओ। अब वो गया, एक दो और ऑर्डर थे, तब तक आपका ऑर्डर आया, अब आपके लिए डोसा बना ही रहा है और उसपे मसाला डाल ही रहा है, तब तक आप नहीं बर्दाश्त कर पाए कि यार 15 मिनट हो गया डोसा नहीं आया। वेटर को बुलाए, काम करो, ए वेटर डोसा कैंसिल, समोसा लेके आओ। तो डोसा तो बन ही गया था, थोड़ा सा रुके होते तो आ जाता, लेकिन अब आपने मन चेंज कर लिया, आप समोसा मंगा लिए, तो डोसा नहीं मिला आपको। यही होता है कि जब हम किसी चीज के प्रति विचार रखते हैं कैटिंग, तो उसे मेंटेन करना पड़ता है, उस विचार को खत्म नहीं होने देना है। तो क्या क्या नहीं खत्म होने देना? तीन चीज, एक तो उस विचार को, दूसरा उस विचार से जुड़ी हुई भावनाओं को, तीसरा कर्म करना, एक्ट करना, बिहेवियर में उसे लाना, रियलिटी में उसे लाना, उसे रियलिटी में लाने के लिए प्रयास करना है, फिर बाकी ये नेचर अपना काम करेगा और वो चीज आपको प्राप्त होगी। इसमें कोई दोस्तों दो राय नहीं। तो आप लोगों को एक घर में एक चार्ट पेपर लेना है, एक कागज लेना है, पेपर लेना है, और उसमें आप लोगों को एक होमवर्क करना है। ये होमवर्क करके आप सभी लोग ग्रुप में फोटो भेजेंगे, ठीक है? एक कागज लीजिए, कागज में आपको बनाना है कि भाई मेरे जीवन की ये चाहत है, चार चाहत, पांच चाहत लिखो क्लियरिटी के साथ, यही मैं बनना चाहता। फिर अगला, उसके लिए आज से कितने कदम उठाने वाले हो, क्या कर्म उसके लिए करने वाले हो, कैसी संगत बनाने वाले हो, कितने समय में वो चीज आपको लगती है कि प्राप्त हो जाएगी, ठीक है? आप क्या बनना चाहते हो, आप दुनिया घूमना चाहते हो, आप कार चाहते हो तो कार की फोटो लगा दो, घर चाहते हो तो घर की फोटो लगा दो, एमएलए बनना चाहते हो तो किसी एमएलए की फोटो लगा के उसका चेहरा काट के अपनी फोटो लगा दो कि मैं एमएलए हूं। महसूस होना चाहिए कि यस, एक एमएलए कैसे रहता भाई, एक एमएलए की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, एक एमएलए की एनर्जी कैसी होनी चाहिए, उसको दिन भर 50 जगह बुलाया जाएगा तो तैयार रहेगा, तो बहाना नहीं मारेगा, नहीं नहीं भाई अभी तो यार अभी जस्ट आया हूं तक के, अभी तू मत बुला, ठीक है? तो एक इसे कहते हैं विजन बोर्ड बनाना है। क्या बनाना है? विजन बोर्ड, मेरा विजन क्या है, मेरा सपना क्या है, सपनों का बोर्ड तैयार कर और उसको घर में चिपका दो और उसकी फोटो खींच के आप लोग मुझे भेजो। विजन बोर्ड सभी को तैयार करना है और आज से मान के चलना है कि दिन भर कौन आपके साथ है, जिन, भगवान, उसको भगवान बोल दो, अल्लाह, गॉड साथ है। जैसे ही आप मन में कुछ सोचते हो तो भगवान कहते हैं तथास्तु। जैसे आपने कहा यार पत्नी से न, पत्नी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, तथास्तु, अब और दिमाग खराब करेगी।
जैसे आपने कहा कि यार मैं जो सोचता हूं कर ही नहीं पाता हूं, तथास्तु, अब और नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही बात? तो कितने लोग भैया इस पे काम करेंगे? ये 1 हफ्ते कम से कम, पहले 1 हफ्ते तो एनर्जी को मेंटेन करके रखो, 3 चीजें, विचार को, भावनाओं को, और उस पे कर्म करना। 3 चीजें मेंटेन करने का संकल्प कितने लोग ले रहे हैं? और नेक्स्ट संडे भी इस पे थोड़ा सा हम लोग, आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब देना है। और कितने लोग विजन बोर्ड बना के उसको चिपका के उसको भेजेंगे? पक्का प्रॉमिस? बहुत शानदार। तो मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि आज की लर्निंग आप लोगों के काम में आई होगी। अगले सेशन में मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा और आप लोगों की समस्याएं भी सुनूंगा, और आप लोगों ने इसे किस प्रकार से काम में लाया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस पर आप लोग मुझे रिपोर्ट करिएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही तो भी आप मुझे बताइए। क्या कदम उठाएं उसके बाद क्या करें? नीलिमा जी, मुझे लगता है कि आपको इसमें क्लियरिटी नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल, मैं वक्ता हूं, मैं नेचुरोपैथी सिखाता हूं, मैं योगा सिखाता हूं, ये मेरे मन की ख्वाहिश है कि मैं योग गुरु हूं, ठीक है नीलिमा जी? तो अब मैं खुद योगा करूंगा ना, और मन में फीलिंग रखूंगा मैं योग गुरु हूं, मैं योगा गुरु जैसा व्यवहार करूंगा, मेरी एनर्जी हमेशा टॉप पे रहेगी, मैं व्यवहार योगा गुरु जैसा करूंगा। और तीसरा कदम क्या उठाना है, मुझे करके भी तो योगा दिखाना पड़ेगा। मैं खुद योग करूंगा और योगा ही लोगों को सिखाऊंगा, मैं योग गुरु बन जाऊंगा। समझ में आ रही? उसके बाद यही 3 चीज जीवन भर करते रहना है, सोचना है, महसूस करना है, उसी उसी के लिए कार्य करना है। सोचना है, महसूस करना, उसी के लिए कार्य करना है, रोज करना पड़ेगा, रोज, डेली, तब जाके वो चीज प्राप्त हो जाएगी। और जहां आप उस पर विश्वास करना छोड़ देंगे, जहां आपका भरोसा टूट जाएगा, तो वो चीज, वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, फिर वो, फिर दोसा नहीं आएगा, फिर जो आप फिर से नेक्स्ट ऑर्डर करेंगे वो मिलेगा आपको, ठीक है? और इसका एक वीडियो फीडबैक भी तैयार करके आप लोग ग्रुप में भेजें कि कैसा लगा सेशन, क्या समझ में आया, ताकि उसमें थोड़ा सा आप लोग बताने का भी प्रयास करें, और अपना निजी अनुभव भी पूछे तो जरूर शेयर करें भाई, ये लाइफ में हमने चेंजेस अभी तक महसूस किया है, और इस पर हम काम करने जा रहे हैं, और ये हमारा विजन बोर्ड इस प्रकार से है, ठीक है? अपना विजन बोर्ड भी जरूर तैयार कर लेंगे। से मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सैटरडे, विथ फुल ऑफ एनर्जी, विथ फुल ऑफ एंथुजियाज्म, नए लर्निंग के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए विचार के साथ। और मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि इस कोर्स आप लोगों के जीवन में जरूर बदलाव लेकर आ रहा है। मेरी शुभकामनाएं, मेरा शुभ आशीर्वाद आपके साथ है, आपके विचार, आपकी भावनाओं को, तथास्तु तथास्तु तथास्तु, ऐसा ही हो जैसा आप सोच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।